जी तो दोस्तों हाजिर हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं कि हम लोग आज वापस शिकार पर जा रहे हैं। हमने दो वीडियोस अपलोड की पर उनमें हम लोग इतने शिकार के शॉर्ट्स ना दिखा पाए। आज कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे तीतर के फ्लाइंग शॉर्ट्स दिखाएं और कुछ एयरगन से डव शूटिंग करें, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अब आप ये देख सकते हैं कि आज मोहसिन हंटर भी हमारे साथ हैं। ये हर वीडियो में हमारे साथ होते हैं पर ये ज़्यादातर वीडियो बनाने में मसरूफ़ होते हैं, तो आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं और ये आज शिकार करें। तो आप इनका निशाना देख सकते हैं, हम जो सेकंड वीडियो अपलोड हमने की है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जीत गए तहा से। इन्होंने तीन फायर किए पर इनके दो निशाने परफेक्ट लगे पर तहा का एक भी ना लग सका। तो ये हमारे विनर थे और ये अब्दुल्ला भाई, इन्होंने उस दिन परसों को इन्होंने तीन चार फायर मारे थे, इन्होंने दो तीन उसमें हिट किए हैं। कुछ इनके मिस हो गए क्योंकि ये पहली बार शिकार कर रहे हैं शॉटगन से। तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज में वक्त लगता है, बंदा शुरू में तो कोई चीज नहीं सीख सकता है, आराम आराम से उस चीज पे वो प्रैक्टिस करेगा इंशाल्लाह। ये भी अच्छे शिकारी बनेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। और यूं ही हमें अपना प्यार दिखाते रहें। अभी हमने एक फायर किया है, अभी आगे चल के देखेंगे, इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। साले तभी मेरा क्या पता वो सामने ही गिरा हो, तो जब मिलता है हम आपको मिलते हैं आगे। बीच में अभी हमारे सकलन भाई ने एक शानदार शॉट मारा है, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि वो कहाँ पे आवाज जो सेट से आ रही है। अब्दुल्ला भाई उनके पीछे जा रहे हैं, हम आपको मिलते हैं अभी। या पकड़ लेंगे, पकड़ने आप ये रहे। आज आपको हमने बोला था कि तीतर दिखाएंगे तो वो सकलन भाई बहुत ही प्यारा शॉट मारे, बहुत कमाल कर दिया है। हम देख सकते हैं ये जी माशाल्लाह से बेहतरीन शॉट, उम्मीद है कि और भी शिकार लगेगा इंशाल्लाह। तो आगे आपको मिलते हैं, ऐसी वीडियो और आपको हम दिखाएंगे। जी तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये इस जंगल में से हम लोगों ने तीतर मारा है, बहुत ही मेहनत के बाद आज माशाल्लाह से एक तीतर हमें लगा। दूसरे को भी शॉट हिट हुआ था पर वो जख्मियों के अंदर गिर गया। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल तो जरा सा ये अभी ये भैंसों वाले अंदर चल रहे हैं, ये निकल जाएं तो उसके बाद इंशाल्लाह शिकार स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कैसा रहता है हमारा शिकार। ये नर है मादा है? देखें ये मादा है, अगर नर होता तो उसके एक कांटे बड़े होते। तो अब्दुल्ला भाई आप क्या कहना चाहते हैं, शॉट कैसा लगा? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। शॉट तो बहुत बेहतरीन लगा, पहला वाला भी लग गया था शॉट लेकिन वो जख्मी हुआ फिर मिल नहीं पाया वो।
अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन इस वाले को बेहतरीन शॉट लगा, ये वहीं पर गिर गया, तो हम लोगों ने वो पकड़ लिया उसको। तो इंशाल्लाह आपके साथ आगे की वीडियोस भी शेयर करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे क्लिप देखने को इस व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग इस साइड गए हुए थे जंगल में, काफ़ी चलने के बाद हमें कुछ ना मिला, तो अभी हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं। तो हमने सोचा हम लोग अभी हमारे सीनियर सकलन साहब से बात करते हैं, उनके जो दो मिस उन्होंने किए हैं उनकी कैसी फीलिंग है, उस पर कुछ बताना चाहें हमें। मिस तो यार कितना भी बड़ा निशाने बाज हो उसके लाजमी मिस होते हैं। असल में चौक 4 नंबर था और कारतूस 8 नंबर था, तो ये रेंज से थोड़ा दूर थे। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, अभी हमें 4 नज़र आए थे पर उन्होंने हमें मौका नहीं दिया क्योंकि कांटे बहुत ज़्यादा हैं, उसमें से अगर तीतर जल्दी निकल जाए तो फिर वो आपको नज़र नहीं आता। उम्मीद है इंशाल्लाह शिकार लगेगा। तो लोगों को आप ये बताएं कि ये मतलब कि डेली व्लॉगिंग नहीं है, ये हंटिंग व्लॉगिंग है, तो जो शॉट होते हैं कभी कभी अचानक आ जाते हैं तो वो हम नहीं बता पाते हैं। क्योंकि दो शॉट ऐसे थे जो हम एंड टाइम पे हमने उसकी वीडियो स्टार्ट की, क्योंकि अचानक से आप हर टाइम तीतर पे वीडियो नहीं बना सकते। दूसरे परिंदे तो ये है कि आपने दूर से देख ली और आप वीडियो बना लें, पर ये तीतर अचानक से उड़ता है, उसके लिए कभी कभी हम रेडी नहीं होते हैं। इंशाल्लाह आपको शॉर्ट्स इंशाल्लाह अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, पर कभी कभी मिस हो जाते हैं कि हम वीडियो ना बना पाए ऐसे। अभी हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं, सिर्फ आज हम लोग 3 तीतर हम लोग ने मारे हैं, और जो क्लिप्स आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो जो हम लोगों ने 3 तीतर मारे हैं। अभी घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग वापस, शाम हो गई है, शाम भी हो गई है, तीतरों के दरख्तों में बैठने का टाइम हो गया और इस टाइम शिकार करना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल फिर ट्राई करेंगे, अभी तो पता नहीं कल, बाकी आपको दिखा सकते हैं आज हम कितना चले। छः किलोमीटर चले हैं, 8000 स्टेप्स।